गांव है, ये मरी का गांव है, इसका नाम है मोजा सलखेतर मरी हिल्स एंड पक्का पहाड़ी इलाका है ये। अब पोजीशन ये है कि रश तो इतना होता था, तो अब पोजीशन ये है कि कोई रश वगैरह नहीं है, थोड़ी ये नाकाबंदी की हुई है। बहुत असर पड़ा है लॉकडाउन जो है ना, होने की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है, यहाँ पे काम नहीं है, इस वजह से देखें रोडें सुनसान पड़ी हुई हैं। वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मलका कोसार मरी में, जबकि ईद से कबल ही हुकूमत की तरफ से सियाती मकामात पर सियाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से सियाती मकामात पर लोगों की आमद ना होने के बराबर है। पाबंदी की वजह से सियात को काफ़ी शदीद नुकसान पहुँचा है। इसी हवाले से आज हम मलका कोसार मरी में देखते हैं कि मरी की क्या पोजीशन है, और नाजरीन रोडों की हालत यह है कि इक्का दुक्का गाड़ी रोड पे नज़र आ रही है। हमारा होटल है भाईजान। किस नाम से? हमारा होटल मालव्यू के नाम से और एक पाकिजा होटल है। अच्छा, होटलों की क्या पोजीशन है? होटलों की पोजीशन तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं मरी, तो बिल्कुल लॉकडाउन है, बंद है सारा कुछ, तो बहुत जो है नुकसान की शरह बढ़ रही है हमारी, और कारोबार कोई भी नहीं है बिल्कुल जो है ना, हमारे घर में जो फाके पड़ रहे हैं सब लोगों के, हमारे जैसे बंदे के होटल है हमारे, तो हालात ख़राब चल रहे हैं, तो आम बंदे की क्या रूटीन होगी, क्या पोजीशन होगी। टूरिस्ट वगैरह आते थे जब से ये टूल प्लाजे से, कोई भी उनको रोकथाम नहीं थी और लोग वगैरह आते थे, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है बाकी तकरीबन मुल्क में खुल गया है टाइमिंग वगैरह से, और SOPs वगैरह जारी करके उन्होंने किए, लेकिन अभी ये है कि मरी को बिल्कुल कुछ भी इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर बंद किया हुआ है। ये मरी GPO का एरिया है, यहाँ ईद के मौके पर इंतहाई रश होता था, लेकिन इस ईद पर चंद मुकामी लोगों के अलावा सियाहों की मरी में दाखिले पर पाबंदी थी। दुकानें मार्केट्स बिल्कुल बंद हैं, चंद जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर खुले नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा मार्केट्स बंद हैं। मरी का मार रोड भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। अभी तो बिल्कुल बंद है दुकानें, लॉकडाउन है, और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत चाहती तो जो फैमिलीज वाले लोग हैं जिनके मरी में घर हैं उन्हें अगर आने देती तो दुकानदारों का भी काम चल जाता, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो SOPs पर अमल करने वाले लोग होते हैं। ईद उल फितर पे पंजाब हुकूमत ने जो है वो आपको पता है कि मुकम्मल लॉकडाउन किया हुआ था, तमाम यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट मार्केट्स जो है वो बंद थी, ऐसे में हमारी जो ट्रैफिक के तमाम एंट्री पॉइंट्स पे जो है वो पिकेट्स लगाई गई थी, जहाँ पे हम जो टूरिस्ट आ रहे थे उनको वापस किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो लोकल यहाँ पे शहरी हैं मरी के उनके ID कार्ड चेक करके उनको एंट्री दी गई है, बाकी जितने भी आने वाले टूरिस्ट थे उनको एंट्री पॉइंट से ही वापस भिजवा दिया गया। होटलों वालों का कहना है होटल बंद होने की वजह से हमारे आमदन के ज़राए बिल्कुल बंद हो गए हैं, हम हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल करेंगे, हमें होटल खोलने की इजाज़त दी जाए। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।